Assalamu alaikum. Dear students, today we will discuss a topic, United Nation. United Nation जो है वो किस तरह वजूद में आया, United Nations के क्या वजूहात थी जो United Nations का क्याम जो है वो वजूद में आया. उससे पहले ये टॉपिक जो है पाकिस्तान स्टडीज की इंटरमीडिएट बुक ये चैप्टर नंबर 8 पाकिस्तान कमेटी ऑफ नेशंस पाकिस्तान और आर्थिक दुनिया से लिया गया है. ऑब्जेक्टिव इस लेक्चर का ये है कि एज ए स्टूडेंट आपको ये समझ लें कि यूनाइटेड नेशंस जो है क्यों वजूद में आया, यूनाइटेड नेशंस क्या वजह थी जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशंस जो है इवॉल्व हुआ. उसके बाद हमने इस लेक्चर में ये भी समझना है कि यूनाइटेड नेशंस का चार्टर क्या है, यूनाइटेड नेशंस का यूनाइटेड नेशन ये जो मंशूर है वो क्या है, यूनाइटेड नेशंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है. इसके अलावा इसी लेक्चर में हम लोग जो है स्ट्रक्चर ऑफ यूनाइटेड नेशंस पढ़ेंगे कि यूनाइटेड नेशंस का जो यूनाइटेड नेशंस का बुनियादी ढांचा है वो किन किन चीज़ों पर जो है खड़ा हुआ है. बिफोर डिस्कसिंग द टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूनाइटेड नेशन का जो टॉपिक है वो बहुत बड़ी अहमियत का हमें लगता है. इंटरमीडिएट से लेके ग्रेजुएशन मास्टर्स और इवन जो हमारे प्रोविंशियल कमीशन सर्विसेज एग्जाम्स होते हैं या सीएसएस के जो हमारे एग्जाम्स होते हैं उसमें इस टॉपिक की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है. इवन दो जो बीसीएस और सीएसएस के एग्जाम्स हैं उनमें ये टॉपिक एडवांस लेवल पे होता है. आप एज इंटरमीडिएट स्टूडेंट इस टॉपिक के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यूनाइटेड नेशन जो है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी कभी कभी आ जाता है और कभी कभी ये लॉन्ग जो क्वेश्चंस होते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चंस के भी ए बी पार्ट का हिस्सा ये टॉपिक बन जाता है. इसके अलावा इसकी जो एमसीक्यूज हैं वो भी एग्जामिनेशन में 2, 3, 4 एमसीक्यूज जो है हर साल एग्जामिनेशन में एमसीक्यूज के बुनियाद में भी इस टॉपिक की बहुत बड़ी अहमियत है. साल के तौर पे जो पेपर पैटर्न है उसमें ये पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशंस जो है कब इस्टेब्लिश हुआ, यूनाइटेड नेशंस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, यूनाइटेड नेशंस के जो मेम्बर स्टेट्स हैं वो कितनी है, यूनाइटेड नेशन डे कब सेलिब्रेट. तो इसी वजह से एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस टॉपिक की अहमियत एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ जाती है. विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम हम पहले पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि यूनाइटेड नेशंस जो है कब वजूद में आया. यूनाइटेड नेशंस जो है एक दूसरी जंग अजीम 1949 में लड़ी गई. उसके बाद यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वार टू की जो तबाहकारियाँ थी उसमें बहुत सारी तबाहकारियाँ हुई. उसके बाद जो आर्मी लीडर्स हैं उन्होंने मिल बैठ के बैठक लगाई कि हम पूरी दुनिया को किस तरह अमन का गहवारा बना सकते हैं. तो इसी बुनियाद पे यूनाइटेड नेशंस जो है वो स्टैब्लिश हुआ 24 अक्टूबर 1945 को. उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी रखा गया. मेंबर्स स्टेट जो करेंटली मेंबर्स स्टेट्स हैं वो 193 है. इसमें दो स्टेट जो है उनको स्टेट्स को ऑब्जर्वर के तौर पे रखा गया है लेकिन ऑफिशियली जो मेंबर्स करेंटली मौजूदा जो ईयर है इसमें मेंबर्स स्टेट और 193 है. इनिशियल चार्टर मीन्स जो शुरू जो है वो इनिशियल चार्टर साइन इन सैन फ्रांसिस्को में एक चार्टर साइन किया गया जिसमें शुरू में जब यूनाइटेड नेशंस की जो बुनियाद रखी जा रही थी उसमें 51 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया. इसकी डेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये एमसीक्यू में भी आ सकता है. June 26, 1945 को जो चार्टर जो है साइन किया गया जिसे हमने अकवाम मुत्तहिदा का मंशूर लिखे थे. अगेन यूनाइटेड नेशन डे एमसीक्यू आता है कि यूनाइटेड नेशन डे कब सेलिब्रेट होता है. तो यूनाइटेड नेशन डे जो सेलिब्रेशन है 24 अक्टूबर को होती है. इसके अलावा यूनाइटेड नेशन नाम है ये जो नाम है ये कॉइन किया था यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट फ्रैंक डी रूज़वेल्ट ने. यूनाइटेड नेशंस में आप देखते होंगे कि जो इजलासेस होते हैं उसमें जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो अरेबिक चाइनीज इंग्लिश फ्रेंच रशियन एंड स्पेनिश है.
इसी तरह यूनाइटेड नेशंस में हम जब ऑब्जेक्टिव को देखते हैं या इसको हम यूनाइटेड नेशन चार्टर भी कहते हैं, यूनाइटेड नेशन चार्टर यूनाइटेड नेशन का मंसूर भी कहते हैं, तो यूनाइटेड नेशन का जो ऑब्जेक्टिव है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मीन्स जो आलमी सतह पे अमन और सलामती को बरकरार रखना, ये अकवामी मुतहदा का मंसूर है। टू टेक सच स्टेप्स व्हिच मिनिमाइज द चांसेस ऑफ थ्रेटनिंग द वर्ल्ड पीस मीन्स के ऐसे कदम उठाए जाए जिससे दुनिया में जो खतरात हैं डिस्प्यूट्स के, जो चांसेस हैं डिस्प्यूट्स के, जो अमन है दुनिया का वो तबाह हो सकता है। यूनाइटेड नेशन कुछ वो स्टेप्स लेता है जिससे वो थ्रेटनिंग वो डिस्प्यूट जो मिनिमाइज किए जा सके। उसके अलावा इसका मंशूर ऑल इंटरनेशनल डिस्प्यूट इज सेटल्ड अकॉर्डिंग टू जस्टिस एंड इंटरनेशनल लॉ, किसी भी कंट्रीज पे अगर कोई डिस्प्यूट होता है वो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल जस्टिस एंड इंटरनेशनल लॉ यूनाइटेड नेशन चार्टर के मंशूर है तो वो रिजॉल्व होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट इसका मंशूर में ये भी है कि मेंटेन फ्रेंडली नेशंस अमंग नेशंस मीन्स जो स्टेट्स हैं उनके दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात को फ़रोग देना भी इसके मंशूर का हिस्सा है। उसके अलावा प्रमोट सोशल प्रोग्रेस बेटर लिविंग स्टैंडर्ड एंड ह्यूमन राइट्स मीन्स समाजी हिसाब से किस तरह पूरी दुनिया में तरक्की करवानी है, पूरी दुनिया की गुमार ज़िंदगी है वो किस तरह बेहतर बनानी है और इंसानी हकूक को किस तरह तहफ़्फ़ुज़ देना है, ये भी यूनाइटेड नेशन चार्टर के मंशूर का जो हिस्सा है। इससे आगे बढ़ते हैं, नाउ वी विल स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। पहले हमने पढ़ा कि यूनाइटेड नेशन कब वर्षों में आया, यूनाइटेड नेशन चार्टर क्या है, अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि यूनाइटेड नेशंस का स्ट्रक्चर क्या है। यूनाइटेड नेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन सिक्स ऑर्गन्स। यूनाइटेड नेशंस का जो सिस्टम है वो उसके छः मेन ऑर्गन है जो यूनाइटेड नेशंस का इसको प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन भी कहते हैं। नंबर वन है जनरल असेंबली, नंबर टू है सिक्योरिटी काउंसिल, नंबर थर्ड है सेक्रेटेरिएट, नंबर फोर ट्रस्टशिप काउंसिल, नंबर फाइव इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, नंबर सिक्स जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। फर्दर जो है हम इसको स्टडी करेंगे कि इनके फंक्शंस जो ये ऑर्गन है ये किस तरह ऑपरेट करते हैं, किस तरह फंक्शन करते हैं और आगे। अब जो प्रिंसिपल्स ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस के उसमें सबसे पहले जनरल असेंबली आ रहा है। जनरल असेंबली बेसिकली इसमें कंपोज्ड ऑफ ऑल मेंबर स्टेट्स, इसमें तकरीबन जो भी 193 मेंबर्स हैं उनमें से सबकी रिप्रेजेंटेशन होती है। इस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन है फॉर ईच स्टेट और कंट्री इज 5 मीन्स कोई भी कंट्री पाकिस्तान हो, चाइना हो या कोई भी कंट्री हो उसको 5 रिप्रेजेंटेटिव ले जाने की इजाज़त होती है। उसके बाद जनरल असेंबली को वर्ल्ड पार्लियामेंट इज ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड पार्लियामेंट, दुनिया की पार्लियामेंट भी कहा जाता है। जनरल असेंबली का इजलास हर साल मीट्स वंस ईयर मीन्स हर साल होता है। फंक्शंस जो है इम्पोर्टेंट है जनरल असेंबली के, जनरल असेंबली का जो फंक्शंस है वो ये है कि जनरल असेंबली जो सेक्रेटरी जनरल है वो अपॉइंट करता है यूनाइटेड नेशन का, जैसे सेक्रेटरी जनरल है करंटली जो सेक्रेटरी जनरल है वो एंटोनियो गुटेरेस है। उसके बाद अलेक्ट नॉन परमानेंट मेंबर्स इन सेलेक्ट सिक्योरिटी काउंसिल्स मीन्स जो हम सिक्योरिटी काउंसिल पढ़ेंगे उसमें जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो भी जनरल असेंबली जो है अपॉइंट करती है। उसके बाद अलेक्ट मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल मेंबर्स होते हैं वो भी जनरल असेंबली अपॉइंट करती है। उसके बाद अलेक्ट जजेज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो जजेज हैं वो भी जनरल असेंबली अलेक्ट करती है। और सबसे आखिरी इम्पोर्टेंट ये है कि जनरल जो यूनाइटेड नेशंस का बजट है उसको भी लुक आफ्टर जनरल असेंबली करती है। सेकेंड जो प्रिंसिपल ऑर्गन यूनाइटेड नेशन का है वो सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसे हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC भी कहते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी न्यूयॉर्क सिटी में USA में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में
जो है एक परमानेंट मेंबर्स होते हैं और एक नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। इसमें पांच जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, यूएसए, यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रांस, रशिया, चाइना। दीज आर द फाइव परमानेंट मेंबर्स और इन्हीं फाइव परमानेंट मेंबर्स के पास आप सुनते होंगे कि ये फाइव परमानेंट मेंबर्स वीटो पावर भी रखते हैं। 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स जो है वो उनका जो दुरान दुरानिया होता है, टेन्योर होता है, वो 2 साल होता है। उसके बाद हर कंट्रीज की रिप्रेजेंटेशन नॉन परमानेंट मेंबर्स में आती है और वो 2 साल के बाद जब रिटायर होते हैं तो अगेन और दूसरी कंट्रीज को जो है अपॉर्चुनिटी मिलती जाती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट समझने की चीज़ ये है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो अथॉरिटी है मीन्स परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स को किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं। जो फाइव परमानेंट मेंबर्स हैं ये पावर टू मेक बाइंडिंग डिसीशंस ऑन मेंबर स्टेट्स मीन्स इनके पास जो वीटो, जैसे मैंने कहा कि वीटो पावर होती है कि ये किसी भी मेंबर स्टेट्स पे जो है वो डिसीशन बाइंड कर सकते हैं। और नॉन परमानेंट मेंबर्स जो इससे डिफरेंशिएट होता है कि नॉन परमानेंट दीज मेंबर्स मेक ओनली रिकमेंडेशंस टू मेंबर स्टेट्स। ये जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं ये सिर्फ रिकमेंडेशन ही कर सकते हैं। उसके अलावा प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की ऑब्वियसली दुनिया में पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना होता है, वो सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है ऑथराइजेशन ऑफ मिलिट्री एक्शन मीन्स कोई भी मिलिट्री एक्शन अगर जो यूनाइटेड नेशन चार्टर के अगेंस्ट कोई स्टेट अगर ऑपरेट कर रहा है तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल गिव ऑथराइजेशन ऑफ मिलिट्री एक्शन। अब हम तीसरा जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो ऑर्गन है वो पढ़ेंगे। जो थर्ड प्रिंसिपल ऑर्गन यूनाइटेड नेशंस का वो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क सिटी में है। मेन मकसद इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्गन का ये है कि टू प्रमोट सोशल प्रोग्रेस एंड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मीन्स सामाजिक तरक्की और लोगों की मयारी ज़िंदगी किस तरह बेहतर बनानी है, ये बुनियादी मकसद है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का। उसके बाद WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस इन दोनों बड़े स्पेशलाइज्ड जो एजेंसीज हैं इसको भी इन दोनों को जो कंट्रोल है वो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल दोनों को कंट्रोल करता है। उसके बाद सॉल्विंग सोशो इकोनॉमिक एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स मीन सामाजिक हिसाब से जो इशूज होते हैं दुनिया में जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो बिल्कुल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बैकवर्डनेस है वहाँ पे या सामाजिक हिसाब से वहाँ पे गुर्बत है, मैर ज़िंदगी बहुत सब गुजार रही है या हेल्थ प्रॉब्लम्स या सेहत के हवाले से जो इशू हो करंटली जो कोरोना वायरस के हवाले से WHO करंटली जो रोल प्ले कर रहा है वो भी इसी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के कंट्रोल में कर रहा है। उसके बाद आखिरी इसका जो फंक्शन है या इसका जो ऑब्जेक्टिव है प्रमोटिंग हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मीन्स मयार ज़िंदगी जो अच्छी मयार ज़िंदगी है क्वालिटी मयार ज़िंदगी उसको प्रमोट करना जो है इकोनॉमिक सोशल काउंसिल का जो है ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद जो फोर्थ ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का प्रिंसिपल ऑर्गन है वो है द सेक्रेटेरिएट। इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है। सेक्रेटेरिएट मीन्स कंटेन डे टू डे फंक्शंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस मीन्स जो डेली बेसिस के रूटीन मैटर्स होते हैं वो इस सेक्रेटेरिएट में काम देते हैं। इसको हेड सेक्रेटेरिएट को हेड जो है सेक्रेटरी जनरल करते हैं। अगेन मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सेक्रेटरी जनरल जो है वो सेक्रेटरी जनरल इज अपॉइंटेड बाय जनरल असेंबली ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। जो सेक्रेटरी जनरल को जो अपॉइंट करते हैं वो जनरल असेंबली ही अपॉइंट करती है, लेकिन उससे पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो पीछे पढ़ के आए वो रिकमेंड करती है कि ये सेक्रेटरी जनरल आपके लगाना है। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल जो है
ट्रिक ली थे यूनाइटेड नेशन से, जो करंट सेक्रेटरी जनरल हैं वो है एंटोनियो गुटेरेस। उसके बाद एक और दूसरा जो पांचवें नंबर पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो ऑर्गन है वो ट्रस्ट चीफ काउंसिल है। ट्रस्ट चीफ काउंसिल इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क सिटी में था। ये 1945 में ही फॉर्म हुई, पर ये 1 नवंबर 1994 से ये इदारा जो है सस्पेंड हुआ हुआ है। लास्ट ऑर्गन यूनाइटेड नेशन का जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसका हेडक्वार्टर एग्वे नेदरलैंड में है। ऑफिशियल वर्किंग जो लैंग्वेज है इस कोर्ट की, जिसे हम आलमी इंसाफ की आलमी अदालत भी कहते हैं, वर्किंग लैंग्वेज इंग्लिश और फ्रेंच है। फंक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इट इज़ प्राइमरी जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। ये अकवा मुतहदा का जो बुनियादी जुडिशियल ऑर्गन है, ये 1945 में इस्टेब्लिश हुआ। इट कम्पोज ऑफ 15 जजेस फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज ईच। मीन्स इस जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो जजेस है वो 15 जजेस होते हैं, जो हर कंट्री से डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से जो है वो लिए जाते हैं। जज की जो टेन्योर है, टर्म है, वो 9 ईयर है। जो जज अलेक्ट करते हैं वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अलेक्टेड बाय सिक्योरिटी काउंसिल एंड जनरल असेंबली। मीन्स इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो जजेस हैं वो सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली अलेक्ट करते हैं। इस कोर्ट के जो क्लाइंट हैं डेफिनेटली वो मेंबर कंट्रीज ही हैं। मीन्स जो लोग पहले पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से मेंबर कंट्रीज हैं। इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस एंड स्टडी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन। देयर आर डजंस ऑफ एजेंसीज, मिसाल के तौर पर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। और रोल ऑफ पाकिस्तान एंड यूनाइटेड नेशन, मीन्स पाकिस्तान का किरदार अक्वामे मुत्तहिदा में किस तरह से, पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन कब ज्वाइन किया, इंशाल्लाह दिस ऑल टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। इस हवाले से, इस टॉपिक के हवाले से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशन हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए, स्टे होम और सेफ रहिए, अपने प्यारों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू।